नमस्कार, सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं महाभारत में एक और पात्र के बारे में, जो कि श्री कृष्णा की बहन है। और आप जान चुके होंगे मैं किसके बारे में आज बात करने वाले हैं, वो है सुभद्रा। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सुभद्रा एक हिंदू वो देवतागणों में वो जानी जाती हैं, और जो कि महाभारत में उनका पात्र था। और कुछ हिंदू जो लेखन में भी उनका नाम है, जैसे कि भगवत पुराण में। और इस महाभारत कथा में वो कृष्ण और बलराम की बहन थी, और अर्जुन की पत्नी, अभिमन्यु की माता और परीक्षित की और अभिमन्यु की माता थी और परीक्षित की नानी थी। और ये वसुदेव की पुत्री थी, और वसुदेव के पत्नी पहले पत्नी रोहिणी की पुत्री थी। और सुभद्रा जो है वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा होने वाले ये उन तीन भगवानों में से है, जो कि एक है कृष्ण, जिनको जगन्नाथ के रूप में पूजा किया जाता है, और बलराम, जो कि बलभद्र के रूप में पूजा किया जाता है, और ये उनकी बहन के रूप में पूजा की जाती है। और इन्हीं को लेकर रथ यात्रा हर साल मनाया जाता है। और इनके कुछ अन्य नाम है भद्रा और चित्रा, और ये कुरु रानी के रूप में भी जानी जाती है। और महाभारत और भागवत पुराण में इनका उल्लेख किया गया है। और वसुदेव इनके पिता हैं, और रोहिणी इनकी माता, कृष्ण और बलराम इनके भाई बहन, अर्जुन इनके पति, अभिमन्यु इनके पुत्र, और ये यादव वंश की थी। और इनका नाम सुभद्रा दो शब्दों से बनाया हुआ है, दो शब्दों के मिलन से, एक है सु और एक है भद्रा। और ये नाम भारत के जो विभिन्न प्रकार के लेख में इस बारे में बहुत उल्लेख किया गया है, और ये बहुत ही ये बहुत बार ये सब सुनने को मिलता है, जो पुराने काल के जो लेख हैं भारत के। और सुभद्रा तो भद्रा के रूप में जाने जाते हैं, मैंने अभी बताया। और सुभद्रा कभी कभी उनको वृष्णी देवती देवतागण एक नमश के रूप में भी जाना जाता है। और सुभद्रा को वीर सोदरी के रूप में जाने जाते थे, जिसका मतलब है कि वीर बहन, और वीर पत्नी के रूप में जाना जाता था, और वीर माता, क्योंकि उनका जो संबंध था श्री कृष्ण अर्जुन और अभिमन्यु के साथ, उनके कारण इनको वीर वीर पत्नी, वीर बहन और वीर माता के रूप में जाना जाता था। तो यही हमने आज सुभद्रा के बारे में जाना, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।